हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। हम ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। जैसे कि कल आपको पता है मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्सेस की कल एक्सपायरी है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ऑफ है ना, तो कल तीनों इंडेक्सेस की एक्सपायरी है और जो कि मंथली एक्सपायरी है। सो ट्रेड सेफली। अभी सबसे पहले तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल, इस पर जाकर आप फॉलो कर लो। कुछ भी डाउट होता है वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और कोई फॉलो मत करना हो और ना ही मेरा कोई पेड सर्विस है, ठीक है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यहाँ पे आप जाके फटाफट से फॉलो कर लेना। अभी चलिए देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार FIA का डेटा चेक कर लेते हैं, अपडेट हुआ है आई थिंक। सबसे पहले यहाँ पे नहीं, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर वीडियो के एंड तक होता है देन डेफिनेटली हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। सबसे पहले देखो ये है 50 EMA, आपको दिख रहा होगा। मैंने आज लाइव मार्केट का एक मॉर्निंग में एक ट्रेड किया था, उसका मैंने वीडियो डाला था, आपने नहीं देखा जाके देखो, वहाँ पे एक सेटअप है, आपको हेल्प हो सकती है स्पेशली बिगिनर्स को, है ना। जाके वो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो जस्ट मिनट में एक बार ऑप्शन चेन भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस वो वीडियो के ऊपर आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन है। इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, इसने क्लोजिंग दी है 45,000 के ऊपर इसकी। हाँ 45,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अभी एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, अगर मार्केट साइडवाइज ओपन होता देन आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। क्यों बता रहा हूँ देखो, क्योंकि ऊपर 50 EMA है, जब भी मार्केट 50 EMA के नीचे आता है आपको बड़ा मोमेंटम मिलता है, जैसे हम सबको पता है ना, मैं हर बार डिस्कस करता हूँ। तो इसमें अब मार्केट अगर ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेंज है लाइक 45,200 से 45,200 पॉइंट, इसमें ओपन होने दो। अगर फिर 5 मिनट की कैंडल देखते कहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। अगर अपसाइड में तो डेफिनेटली पुल बैक के बाद ही एंट्री करना। मंथली एक्सपायरी है, कुछ ऐसा काम मत कर देना कि डिके ही हो जाए प्रीमियम, है ना, जीरो हो जाए। तो जब ऊपर जाएगा एक पुल बैक मिलता है हमको 45,200 के ऊपर, देन हम अपसाइड के लिए देखेंगे। पहला हमको जो टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 45,400 और 45,500 भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज एन साइकोलॉजिकल लेवल, दैट्स द श्योरली। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए, बट ये अपसाइड के लिए है। सिर्फ 50 EMA के ऊपर पुल बैक के बाद ही ट्रेड करेंगे, मतलब ट्रेड कर सकते हैं, बाकी आपके डिसीजन है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। अगर डाउन साइड में 45,000, देखो पूरे दुनिया जहान को दिख रहा होगा, मैं अभी एक ऑप्शन चेन ओपन करूंगा ना, 45,000 पे सपोर्ट है, ठीक है, 45,000 पे सपोर्ट है। तो अभी यही पॉइंट है हमारे लिए, बहुत सिंपल सा यार, 45,000 के नीचे जाता है कि एक पुल बैक मिलता है, देन डाउन साइड के लिए देख सकते हैं दैट टू के 44,600, ये एक लेवल खुल के आ रही है। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ रेंज है और हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। इधर अगर देखो, पर 2 SL से ज़्यादा नहीं लेना। अगर ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया तो ऊपर का ये पहला SL गया, और अगर यहाँ पे भी आके फिर ऊपर चला गया तो भैया छोड़ देना, क्योंकि ये देखो आज जिस प्रकार की वॉलिटिलिटी रही, अगर लंबे टारगेट्स के लिए बैठते तो ऐसा डेफिनेटली हिट हो जाता, ठीक है। सो ऑप्शन गाइस आप समझ गए ना, पूरा प्लान हमारा एग्जीक्यूटेड है कल की मंथली एक्सपायरी के लिए। 3 PM पे एक बड़ा मोमेंटम आता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी जो आपकी कैंडल बने 255 से 3 PM की, जैसे उसका हाई या लो ब्रेक करता है देन आप उस डायरेक्शन में देख सकते हैं, या फिर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी 3 PM की, मैं बेसिकली यही फॉलो करता हूँ। तो आप समझ गए बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे है, 200 पॉइंट की बस रेंज है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया लाइक 45,500, 400, 600, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम कुछ बचेगा नहीं। हम सबसे पहले ट्रेड रिवर्सल के लिए देखेंगे, मतलब गैप फिलिंग के लिए देखेंगे। अगर गैप फिल होता है देन ओके, हमको अच्छा ट्रेड मिल गया। गैप डाउन ओपन अगर ओपन हो गया तो फिर वेट करो, क्योंकि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी इस लेवल पे। अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो फिर हम अपसाइड के लिए देखते हैं, अगर यहीं पे ब्रेक करना चालू कर दे हमको 44,000 तक का भी लेवल दिख रहा है, ठीक है। बट जब गैप डाउन ओपन होगा, सो होप सो गाइस आपको दिख बहुत बड़ा गैप डाउन, ठीक है। सो होप सो गाइस समझ गए होंगे, है ना, कैसे कि हम कल रिएक्ट कर सकते हैं। अभी चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। देखो मैं 50 EMA इसलिए थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, कई बार हमारे SLs बच जाते हैं और ट्रेड मिल जाते हैं, बस इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज हमारे लिए 21,470 से लेके 21,400, ये एक 70 पॉइंट्स की जोन है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते, बट 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी है,
इसका मतलब ये अभी मेरे लिए बाइंग साइड के लिए ट्रेड रहेगा, ठीक है, अभी बाइंग साइड के लिए ट्रेड रहेगा। इधर अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया देन मैं रिवर्सल के लिए देखूंगा सबसे पहले। अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया देन गैप फिलिंग के लिए मैं ट्रेड डेफिनेटली देखूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ओपन हो गया 50 एमए के ऊपर साइडवेज और फिर 50 एमए के नीचे आके पुल बैक मिलता देन डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ये है लेवल 21,200, मार्केट दो बार हिट कर चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बार हिट कर चुका है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा अभी कि बायर्स यहाँ पे अब नहीं लगता दम और कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक सिनेरियो और है फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं पे तो फिर वेट करो, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर बायर्स में नहीं लगता और दम होगी कि इसको होल्ड करके फिर से ऊपर ले जाएं, चला गया देन कोई इशू नहीं। बट अगर फॉल कर गया देन 21,000 तक, मतलब यहाँ तक सोचो 200 पॉइंट की लेवल हमको दिख रही है, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है, ये कोई हम 100% श्योर नहीं है बट ये हमारा लॉजिक है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लेवल्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है ना। और अपसाइड के लिए आप समझ गए होंगे 21,600 यहाँ तक के है अगर गैप अप ओपन होके ऊपर भागना चालू करता है तो। बट कंपोनेंट्स पे ध्यान रखना है ना, एक्सिस बैंक की कल हमने बात की थी, रिजल्ट अच्छा आया बट स्टिल आज भी वो फॉल ही हुआ, ये देखो अराउंड 3% ऑलमोस्ट। सो उससे गाइस आपको वीडियो पसंद है जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर किए तो जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर देना देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।